एक गाना आपने गाया अल्बर्ट हॉल पर, एक कार्यक्रम में आप गए थे, आपको बताया गया था वो गाना कि आपने खुद से वो गाया? गाना है जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना का। अच्छा मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपका जो सरनेम है इसके पीछे की कहानी क्या है? वो कहते हैं पायलट का प्लेन हवा में है, टेक ऑफ कब करेगा, कुछ कहते हैं लैंडिंग कब होगी। आपको नहीं लगता कभी दिल्ली से आते हुए एक बार असलियत में जो प्लेन है उसकी लैंडिंग कराई देता हूँ, तो इनका इनका जो ये बार बार कहना है ये भी एक हो जाएगा? नमस्ते दोस्तों, माय एफएम से मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आज कपशप विद कार्तिक में जो मेहमान हैं उनका परिचय आपने अलग अलग तरीकों से अलग अलग शब्दों में सुना होगा। उन्होंने राजनीति का हर किरदार जिया है, मंत्री, विधायक, केंद्रीय मंत्री, पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष। लेकिन आज मैं उनका परिचय आपसे करवाना चाहता हूँ एक ऐसे नेता के तौर पर जो हर उस नियम को मानते हैं जो आम आदमी के लिए बनाया गया है। सीट बेल्ट लगाने से लेकर के मास्क पहनने तक पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर आ गई, लेकिन इनका मास्क नहीं उतरा है। हमारे साथ हैं सजग और सतर्क नेता सचिन पायलट साहब, आइए स्वागत करते हैं। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको बताना भी चाहता हूं कि जितने युवाओं से मेरी बात होती है, मोटिवेशनल कहानियां करता हूं, मुझे मैसेज करते हैं कि पॉलिटिक्स में हमारा इंटरेस्ट नहीं है लेकिन सचिन पायलट साहब हमारे फेवरेट है। तो ये जो एक फैन फॉलोइंग है जो बढ़ती चली जा रही है, आप किसी भी स्टेट में जाते हैं स्वागत के लिए इतने हज़ारों कार्यकर्ता आते हैं, कैसा लगता है आपको? आपकी डीपी लगा के रखते हैं लोग? मुझे खुशी है कि जो यंग लोग हैं देश में उन लोगों को पॉलिटिक्स में रुचि होनी चाहिए, और जिस देश के युवाओं का राजनीति से, पॉलिसी मेकिंग से मन हट जाता है तो वो दिशाहीन हो जाते हैं। और मैंने कोशिश की है पिछले 20 सालों में जब से मैं राजनीति में हूँ कि लोगों को साथ लेकर चलें, उनकी आवाज़ को सुनें, और जो भी चर्चा वार्ता हो वो एक तरफा नहीं होनी चाहिए। नौजवान लोगों को मैं समझता हूँ कि वो अपनी बात को सुनवाना चाहते हैं, बात को मनवाना चाह रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि युवा पीढ़ी जो है इस देश में, और मैं कोई युवा नहीं रहा हूँ, मैं 44 साल का हो गया हूँ, बट आई बिलीव कि जो यंग जनरेशन है उन लोगों को स्पेस मिले, प्लेटफॉर्म मिले अपनी बात रखने का, उनको मौका मिले, और इस देश का जो युवा है उसमें जो प्रतिभाएं हैं वो अकल्पनीय हैं, उनको सही दिशा और डायरेक्शन अगर मिलेगा तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। यहाँ तक आपने मेरी बात बोली है, मैंने जब जब मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिली है सरकार में, पार्टी में, पॉलिटिक्स में, मैंने कोशिश की है कि मैं नौजवान लोगों को और मौका दूं, और मुझ जैसे लोगों को जिनको बहुत कुछ बहुत जल्दी मिल गया, अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अगली पीढ़ी का हैंड होल्डिंग करूं, उनको समझाऊं, उनको अपने अनुभव से परिचित करवाऊं, जो मैंने अच्छा अनुभव रहा वो बताऊं, जो मेरे को खराब अनुभव रहा वो भी उनको बताऊं। तो उनको गाइड करके उनको आगे अगर हम जगह देते हैं, स्पेस देते हैं, यही एक दायित्व होना चाहिए हर जनरेशन का। तो इसी दिशा में हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी आपने पॉलिटिक्स की बात की तो मैं लीडर की क्या खूबियां हैं आपके हिसाब से, एक लीडर क्या होता है अगर आप अपने शब्दों में बताएं? देखिए, लीडर तो हर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होते हैं, स्पोर्ट्स में होते हैं, पब्लिक लाइफ में तो होते ही हैं, लेकिन लीडर एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो लोगों को इंस्पायर करे, जो खुले मन से बात को बोल सके, अपनी कमियों को एक्सेप्ट कर सके, और सही और गलत में फ़र्क जाने। और कई बार क्या है, हम लोग अच्छी बातें बोलते हैं लेकिन सही बात नहीं बोलते हैं, सही बात थोड़ी कड़वी हो सकती है उस मौके के लिए, लेकिन लॉन्ग रन में लीडर वही है जो निष्पक्षता से, निष्ठा से, निस्वार्थ भाव से अपनी बात स्पष्टता से रखे और उस पर अड़ग रहे। मैं आज कुछ बोलूं, कल कुछ बोलूं, परसों कुछ बोलूं, उसका मैं नहीं समझता हूं कि बहुत ज़्यादा लोग लॉन्ग टर्म तक अप्रिशिएट करते हैं। तो अपनी बात पर बन के रहना चाहिए और सही को सही बोलना चाहिए, जो मुझे सूट करे तो सही है, कल को सूट नहीं करे तो वो गलत है। तो इतना फ्लेक्सिबल मैं समझता हूं नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, निडर होना चाहिए। अच्छा मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आपका जो सरनेम है इसके पीछे की कहानी क्या है, पायलट सरनेम की? तो मेरे स्वर्गीय पिताजी एयरफोर्स में थे और उन्होंने लगभग 1.5 दशक तक एक एयरफोर्स में एज ए स्क्वाड्रन काम किया, एज ए फाइटर पायलट। तो उसके बाद 1980 में उनकी इच्छा हुई कि वो अपना इस्तीफा देके राजनीति में आए, और उस समय इंदिरा गांधी जी विपक्ष में थी, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया और इंदिरा जी को बोल के उन्होंने कहा कि मैं राजनीति लड़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने उनको पहली बार चुनाव लड़ने का मौका दिया। जब चुनाव लड़ने के लिए वो गए भरतपुर में, तो वहाँ पे उनको कोई जानता नहीं था कि राजनीति में बिल्कुल नए आए थे, उनका कोई गॉडफादर नहीं था। तो वो अपना नामांकन भरने के लिए गए जिला कलेक्टर के ऑफिस के अंदर, तो वहाँ के जो उस समय के जिला कलेक्टर थे उनको लगा कि ये अफसर है, सेवा दे के आया है, इसको कुछ जानता नहीं है। तो उनका सजेशन था कि भाई आप अपना जो नाम है ना, क्योंकि सब पूछ रहे थे कि भाई इंदिरा जी ने किस व्यक्ति को भेजा है, तो ना साहब वो एक पायलट है जो इस्तीफा दे के आया है चुनाव लड़ने के लिए। तो वहाँ जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उन्होंने उनको सजेस्ट किया कि भाई आप अपना नाम जो बैलेट पेपर होता है उसमें रखो ताकि उनको पता पड़े कि आप कौन से हो राजेश। तो उन्होंने उस टाइम अपना उसी दफ्तर में 2 रुपए का एफिडेविट दिया और उस समय अपना नाम उस
जो मत पत्र होता है, बैलेट पेपर होता है, उस पर राजेश पायलट लिखवाया। अब जब चुनाव हुआ तो वोट पड़े, फिर जब ऑफिशियल नाम था वो उनका राजेश पायलट हो गया उस समय चुनाव के दौरान, और उस समय से ही एक फैमिली नेम हुआ। तो हम लोग जब छोटे थे, मैं मेरी बहन, हम स्कूल में दाखिला किया तो फादर्स नेम राजेश पायलट, सन नेम सचिन पायलट, तो वो फिर वो नाम जन्म से पड़ गया। तो जन्म से ही पायलट बन गए थे। लेकिन ये जो पायलट सर नेम, इसकी भी कहानी है आपके लिए। मीडिया के हमारे जो मित्र हैं न्यूज़ चैनल में, न्यूज़पेपर में, वो कहते हैं पायलट का प्लेन हवा में है, टेक ऑफ कब करेगा, कुछ कहते हैं लैंडिंग कब होगी। आपको नहीं लगता कभी दिल्ली से आते हुए एक बार असलियत में जो प्लेन है उसकी लैंडिंग कराई देता हूँ? इनका इनका जो ये बार बार कहना, ये भी एक हो जाएगा। आप भी सुनते होंगे ऐसी काफ़ी बातें। उन्हें गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि आसमान कुछ कम है। क्या बात है। देखिए ये जो बातें हैं ना, ये फ्रेज यूज़ करते हैं क्योंकि मेरा लास्ट नेम पायलट है। राइट। लेकिन पब्लिक लाइफ में जब मैंने पहली बार चुनाव लड़ा था, तब से लेकर अब तक मैंने समझा कि एक हम पॉजिटिव चेंज लेकर आएँ, और राजनीति बदलाव का सबसे बड़ा माध्यम बन सकता है। अगर हम पब्लिक लाइफ में हैं और वही घिसे पीटे बातें बोल रहे हैं, वही काम को कर रहे हैं, उसी धारा में बह रहे हैं और स्टेटस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, देन वी आर नॉट ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज। टू ब्रिंग अबाउट अ पॉजिटिव चेंज, लोगों के अंदर एक एजेंट बनना चाहिए चेंज का। और पॉलिटिक्स में समझता हूँ एक बहुत फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म है जहाँ यंग लोग अपनी एम्बिशंस को, अपनी डिटर्मिनेशन को, अपनी इमेजिनेशन को, अपनी क्रिएटिविटी को एग्जिबिट कर सकते हैं। इसलिए जितना हो सका मैंने पिछले 20 साल में कोशिश की है कि एक नई डायरेक्शन दें, एक नई बात को रखें, और मुझे लगता है कि कुछ हद तक भगवान का आशीर्वाद रहा कि हमें कामयाबी भी मिली है। बट आई थिंक लॉन्ग वे टू गो स्टिल। राइट। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, पॉलिटिक्स में आने से पहले आपने बीबीसी में भी थोड़े समय के लिए काम किया, कॉरपोरेट में भी आपने काम किया, फिर जब पॉलिटिक्स में आए, कितना डिफिकल्ट रहा एडजस्ट होना, या आसान था, कि मतलब आपको कितना चेंज लगा इन दोनों दुनियाओं में? मेरे फादर कहा करते थे, कहते हम फौज में थे ना, तो उनके जो सीनियर ऑफिसर्स थे वो बोलते थे कि भाई राजेश, जो मन में है वो फट बोल देना चाहिए अपने जूनियर को, अपने सीनियर को। और राजनीति में कहते उल्टा है। अच्छा। कि जो मन में है वो जबान पे कभी नहीं आना चाहिए। तो मैं उस बचपन की बातों को सुनता था, लेकिन क्योंकि मेरा जो बचपन गुजरा वो हमेशा एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में रहा, घर में सुबह शाम बातें होती रहती थी, तो वो कल्चर डेवलप हो जाता है, बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन को बहुत ज़्यादा चेंज मुझे लगा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि देखो, अगर मुझे कुछ बनावटीपन रखना है या मुझे कुछ दिखावा करना है तो उसमें मेहनत लगती है। आपको प्रटेंड करना पड़ता है कि दिन में 12 घंटे मुझे ऐसे रहना है, वैसे रहना है। अगर आप नेचुरल हैं, अच्छा बुरा जो है सबके सामने है, तो उसमें थोड़ी सरलता आ जाती है, इट्स मच ईजियर। तो मुझे लगता है कि वन हैज़ टू बी नॉर्मल, ऑनेस्ट एंड वेरी ओपन। राइट। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, आपने बताया एक इंटरव्यू में कि आपने 4 साल पहले पार्टी के लिए काम किया, फिर 2004 में आई गेस आपने पहला चुनाव लड़ा लोकसभा के लिए, और आप सांसद बने 26 वर्ष की उम्र में। पहला चुनाव जब आप जीते भारी मतों के अंतर से, वो पहले चुनाव की यादें अगर आपको हैं, पहली स्पीच कहाँ दी थी आपने, क्या बोला था उस भाषण में, कितने नर्वस थे पहली स्पीच से पहले? तो कार्तिक, मेरा जो आपने कहा पहला भाषण, तो मेरी मदर चुनाव लड़ी थी पहली 1990 में, हिंडोली विधानसभा क्षेत्र है बूंदी जिले में, राजस्थान। तो मैं उस टाइम स्कूल में पढ़ता था, 90 में मेरी उम्र कितनी होगी, 13 साल का था। तो मैं अपनी मदर के साथ कैंपेन करने के लिए, उन दिनों में जिप्सी गाड़ी होती थी, उसमें बैठा था पीछे आराम से, और हम कैंपेन के लिए, सर्दी के दिन थे मुझे याद है, शी वाज कंटेस्टिंग, और सुबह सुबह 8 बजे कोहरा था गाँव में, वो अपने भाषण देने के लिए गाड़ी में उतर के, मंच था पेड़ के नीचे, वहाँ जाके भाषण दे रहे थे। मैं गाड़ी में बैठा हुआ था, तो जो गांव का सरपंच था उसने देख लिया कि मैं बैठा हुआ हूँ, तो उसने अनाउंस किया मन से कि भाई वो मेरी मदर का नाम रमा है, कि रमा पायलट जी के बेटे आए, उनको मैं कहता हूँ यहाँ मंच पे आ जाएं। अब मैंने कहा, अब कह रहा चले जाता हूँ, इलेक्शन है, क्यों मूड खराब करूँ, तो मैं वहाँ चला गया। अब जैसे मंच पे बैठा तो उसने कहा कि अब ये 2 शब्द बोलेंगे, माई पकड़ा दे मेरे हाथ। अब मैं 13 साल का, वाज वेरी नर्वस, मैं खड़ा हुआ भाषण देने के, वहाँ बैठे थे 4-5 लोग सामने। अब मैं समझने में क्या बोलूं, पहले तो अपनी मदर को कैसे संबोधित करूं, फिर क्या उनको बोलूं। तो मैंने कुल मिला के कोई 1.5 या 2 मिनट का मैंने कुछ बात की होगी, भाई आप कांग्रेस को वोट दो, रमा पायलट जी को जिताओ, और ये वो 2 मिनट मुझे लगा कि एक अरसा बीत रहा है और ख़त्म ही नहीं हो रहा। मेरे घुटने हिल रहे थे, हाथ में पसीने आ गए, इतना नर्वस हो गया था उस टाइम। तो पहला मैंने एक पब्लिक स्पीच मेरे ख्याल दी थी मेरी मदर के इलेक्शन के अंदर 1990 में। लेकिन मेरा पहला चुनाव 2004 में था, और वो मैं लड़ा था दौसा लोकसभा क्षेत्र से, और वहाँ पे लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया था। तो उसका तो मुझे वो चुनाव, वो अनुभव और वो जो भावनाएं थी उस पहले चुनाव की, मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। और वो शुरुआत थी मेरा पहला चुनाव, तो वहाँ के लोगों ने जो मेरे को जो
जो नींव रखी थी ना वो काफी मजबूत रखी थी, तो उसका उसका उस प्रेरणा का, उसका आशीर्वाद, उसकी ताकत आज तक मेरे साथ है। बिल्कुल, 26 वर्ष की उम्र में आप जीत गए, फिर आप संसद पहुंचे। जो आप संसद में पहुंचे तो आपसे काफ़ी सीनियर वहाँ नेता होंगे, सबसे यंग आप ही दिख रहे होंगे, तो आपसे कभी किसी ने कुछ कहा, समझाया आपको, कोई गाइड किया किसी ने वहाँ पर? आज मैं 44 साल का हूँ, तो जो 20 साल का लड़का लड़की है वो सोचेंगे ये बूढ़ा अंकल, इसको क्या मालूम क्या नहीं मालूम है। और मैं किसी लड़के को मिलता हूँ जो कॉलेज में है, तो आई फील के भी बहुत कुछ सीखना बताना बाकी है लोगों को, बट इट इज़ नॉट ट्रू। मुझे लगता है कि हर जनरेशन में बदलाव आ रहा है। जो आज के लड़के लड़की हैं 20-25 साल के, उनका जो अनुभव है, एक्सपीरियंस, एक्सपोजर है, वो हम लोगों से बहुत ज़्यादा रहा जब मैं उस उम्र का था। लेकिन जब मैं पहले पार्लियामेंट में गया था, आई रिमेंबर उस टाइम जो सबसे एजड मेंबर पार्लियामेंट थे वो आई थिंक 88 के थे, बीजेपी के, साउथ इंडिया के कहीं थे, नाम याद नहीं आ रहा, और मैं 26 का था। तो हमारा जो गैप था वो 68 साल का था बिटवीन मी एंड हिम, इतना हमारा एज डिफरेंस था। बट टू बी ऑनेस्ट, जब एमपी जब बनते हैं तो हम सब लोग किसी पृष्ठभूमि के हों, किसी उम्र के हों, किसी जाति बिरादरी के हों, पार्लियामेंट का मेंबर एक मेंबर पार्लियामेंट होता है। तो वहाँ सब लोगों ने बड़े गंभीरता से हमारी बातों को सुना, और मुझे अच्छा लगा कि पार्लियामेंट में पहली बार जाने के बाद भी हम लोग कंट्रीब्यूट कर सके डिबेट्स में, पॉलिसी मेकिंग में, और एक बड़ा अच्छा इनरिचिंग एक्सपीरियंस रहा जब मैं पहली बार पार्लियामेंट में गया था। बिल्कुल, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप अपने भाषण की शुरुआत में भी और आखिरी में भी राम राम साह कहते हैं, आपके फादर साहब को भी विपक्ष के नेता भी राम राम साह कहते थे, उनकी भी उतनी इज्जत थी, आपकी भी अगर आप विपक्षी दलों की बात करें तो उतनी रिस्पेक्ट आप करते हैं, हर दल में आपके लिए एक प्यार है, सम्मान है, कैसे आप इसको देखते हैं? दिन में भगवान का नाम जितनी बार लो उतना अच्छा है। नहीं, उसके अलावा मैं लेकिन नहीं कि राजस्थान का एक ट्रेडिशन है, और मेरे फादर ने इसको बहुत मन से बोलते थे, और मुझे लगता है कि एक अगर अच्छे शब्द मुंह से निकलते हैं तो अच्छी एनर्जी जाती है, और मुझे लगता है एक बड़ा स्वागत योग्य है अगर हम एक दूसरे को राम राम करके बात करते हैं और दूसरे दलों में बात। अच्छा, अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आपके फादर साहब की पॉलिटिक्स, आपकी पॉलिटिक्स कितनी सिमिलर है, कितनी डिफरेंट है? देखिए, जो उन्होंने स्ट्रगल किया, जिस गरीबी को जूझ कर वो ऊपर निकले थे, और जिस तरह की चुनौतियों का सामना उन्होंने किया था, उसके मुकाबले मैंने कुछ भी नहीं किया है हकीकत में, क्योंकि मुझे अच्छी पढ़ाई मिली, घर में सब कुछ था, साधन थे, अच्छा स्कूल कॉलेज में हम लोग गए, तो हमें स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। लेकिन उस जनरेशन में, और खासकर मेरे फादर ने, जिस तरह एक बहुत जल्दी अनाथ हो गए थे, 3 बहनों की शादी करनी पड़ी थी, और घर में पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो उस समय स्ट्रगल कर पढ़ाई कर एक ऑफिसर बनना, फिर राजनीति में आना, और राजनीति में भी सिर्फ 19 साल काम किया मेरे फादर ने, लेकिन 19 सालों में उन्होंने बेबाकी से अपनी बात को रखा, और पद होना हो लेकिन एक स्पेस उन्होंने बनाया। जब मैंने शुरुआत करी तो मेरे पिताजी दुनिया में नहीं थे, उनके स्वर्गवास होने के 4 साल के बाद मैंने चुनाव लड़ा था, तो जो मैंने निर्णय लिया बड़ा सोच समझ के लगा, मुझे लगा कि मैं जो मेरी अब तक की एक्सपीरियंसेस हैं उसको मैं बेस्ट कहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ, और मैंने चूज़ करके पब्लिक लाइफ को चूज़ किया। तो उनका जो एक्सपीरियंस था, उन्होंने जो बुरा समय देखा था, उससे बहुत कुछ वो तब गए थे, और मुझे लगता है वो उनका एक उनकी एक ताकत थी, और उन्होंने अपने जीवन में जो मुझे भी उन्होंने सिखाया कि भाई आप कहीं किसी पद पर पहुँच जाओ, अगर आप अपनी जड़ों को भूल जाओगे तो वो पेड़ जिसकी जड़ कमजोर है ना, वो बहुत ऊंचा नहीं जाता है। तो वन हैज टू बी ग्राउंडेड इन रियलिटी, और एक आत्मीयता का भाव होना चाहिए। अगर आप बहुत बड़े पद पे पहुंच गए हैं, बहुत आपको शौर्य मिल गया, नाम हो गया, आप अपनों को भूल जाओ, छोटे लोगों से बात करना भूल जाओ, और वो हमेशा कहते थे मेरे फादर कि भाई आपसे कोई मिलने आए, अगर उसने फटा बनियान पहन रखा है या सिल्क का कुर्ता पहन रखा है, उसको बराबर मान सम्मान मिलना चाहिए। अच्छा, आपसे अगर कोई प्यार से बात करता है या इज्जत देता है तो जेब से कुछ खर्च तो होता नहीं है, दीवान घिसती नहीं है, इसलिए आत्मीयता, विनम्रता और एक सरलता से जो बिहेव करते हैं उन लोगों को पॉलिटिक्स में लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, ये मेरा अनुभव है। इसीलिए आपके बंगले के बाहर जमघट लगा रहता है। अब मैं आपसे सर एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आपके फादर साहब उनकी राजनीति की जो बातें हैं, किस्से हैं, वो तो लोगों को मालूम है, लेकिन जब वो फाइटर पायलट थे, वो जो कुछ किस्से हैं, अगर आपको ये कहानी शेयर करना चाहें, किस्सा शेयर करना चाहें, इंडो पाक वॉर में भी उनकी बहुत अहम भूमिका थी। 71 का जो युद्ध हुआ था, जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, उस समय मेरे फादर पोस्टेड थे ईस्टर्न सेक्टर में, असम के अंदर, तो वहाँ पे उन्होंने लगभग 6-7 साल उन्होंने पोस्टिंग उनकी रही थी, और वो जज्बा बताते थे अपनी चर्चाओं के अंदर कि वहाँ पे जो ऑफिसर्स थे, जब वॉर डिक्लेयर हुआ तो आपस में झगड़ा करते थे कि पहले कौन जाएगा, मतलब फर्स्ट सॉर्टी कौन करेगा, बॉम्बिंग कौन करेगा, फ्रंट लाइन पे कौन जाएगा। तो ये जो फौज का जज्बा है, ये जो राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म है, ये कहीं से उधार नहीं आता है, ये
पेट से निकलता है, आत्मा से निकलता है। तो उस और आज भी ऐसा है, हमारे जो वर्दी हमारे फौजी पहनते हैं वो सिर्फ अपने घर वालों के लिए, अपनी बिरादरी के लिए, अपने प्रांत की रक्षा नहीं कर रहे ना, पूरे देश की करते हैं। तो वो सेंटिमेंट और जो भावना थी उस समय विजय प्राप्त करने की और सब कुछ कुर्बान करने की, वो अक्सर चर्चा में आती थी जब मुझे बताते थे। तो 71 का वॉर जो था बड़ा अजीब तरह का वॉर था, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और उन्होंने जब युद्ध की घोषणा करी तो अमेरिका ने कहा था कि हम अपना 7वां बेड़ा भेजेंगे वे बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। और उस समय भारत को बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से मजबूत नहीं था, हमारी सेना भी ताकतवर नहीं थी, बावजूद उसके उन्होंने दुनिया की धमकियों को साइड रखकर जो कार्य किया और 95,000 पाकिस्तान के फौजी सैनिकों को कैप्चर किया, प्रिजनर ऑफ वॉर बनाया, आर्मी ने, एयरफोर्स ने, नेवी ने मिलकर काम किया। तो जो लीडरशिप थी उस समय की उसने और हमारे लोगों के जो शौर्य था जो सैनिकों का, उसका बल देखकर सब लोग आश्चर्यचकित थे। और मुझे फक्र होता है, खुशी होती है, क्योंकि हम कहानियाँ सुनते हैं ना कि भाई फलाने जो किया, लेकिन जब घर ने कुछ किया है, मेरे फादर ने कुछ किया, तो उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन था, जो बॉम्बिंग जिन्होंने करी जाके ईस्ट पाकिस्तान में, उसका बहुत किसे सुनाया करते थे हम लोगों को। तो मुझे बड़ा फख्र महसूस होता है कि उन्होंने उस वॉर में पार्टिसिपेट किया था। आपके पूज्य पिताजी आपको आर्मी यूनिफॉर्म में देखना चाहते थे, अब आप कैप्टन? नहीं, एक्चुअली मेरे जो दादाजी थे वो कम पढ़े लिखे थे, तो वो आर्मी में हवलदार थे, जो एक नॉन कमीशन पोस्ट होती है, तो उनकी डेथ बहुत जल्दी हो गई थी। तो उन्होंने मेरे फादर को कहा था बचपन में कि भाई मैं तो हमेशा अफसरों को सलूट करता हूँ, तुम पढ़ लिख के अफसर बनना पड़ेगा। तो फिर मेरे फादर एयरफोर्स में अफसर बने और उनकी डेथ के काफ़ी दिनों बाद जब मुझे मौका लगा तो मुझे लगा कि मेरे दादाजी फौज में थे, पिताजी थे, तो मुझे भी कहीं ना कहीं फौज में अपना हिस्सेदारी निभानी चाहिए। तो इसलिए फिर मैंने जो एक टेरिटोरियल आर्मी होती है वो भी कमीशन पोस्ट होती है, उसको मैंने ज्वाइन किया 2012 के अंदर। तो हाल ही में मुझे प्रमोशन मिला और मैं कप्तान बन गया हूँ। बिल्कुल, तो कप्तान साहब को बहुत बहुत बधाई। अब मैं जानना चाह रहा हूँ, आप जब ट्रैवल करते हैं राजस्थान में, आपके लगातार दौरे चल रहे होते हैं, अलग अलग तस्वीरें भी आती है, एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई थी जिसमें आप शेव कर रहे थे, किसी झोपड़ी में थे, वहाँ पर रुके थे आप। जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, कैसा राजस्थान आपने देखा है, और क्या कभी ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल हो गया, ऐसा कुछ होता है? देखिए, ट्रैवल तो जो लोग पॉलिटिक्स में, हमको करते रहना चाहिए, क्योंकि जिस समस्या के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं है, पूरी समझ मुझे नहीं है या मुझे लोगों को नहीं है, तो उस समस्या का समाधान नहीं कर सकते घर में बैठकर या सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से। देश की दिक्कतों का समाधान हो सके पॉसिबल नहीं है। तो अपने आप को लोगों की ज़िंदगी से वाकिफ रखना, धरातल पर क्या वास्तविकताएँ हैं उससे अपने आप को परिचित कराना, और ये एक लगातार होते रहना चाहिए, और संवाद और चर्चा होनी। अगर मैं मेरे लोगों से, हम लोगों का कनेक्शन नहीं है, संवाद नहीं है, और जो बॉन्ड बनता है ना वो मोबाइल फोन से नहीं बन सकता है, वो लोगों के दुख सुख में आप शामिल रहोगे। मैं तो कई बार होता है किसी की शादी में मैं नहीं जा पाता हूँ, तो दुख में मौत में हमेशा जाता हूँ दुख बांटने के लिए। तो एक लगातार कंटिन्यूस लोगों से, वर्कर से, मतदाताओं से एक संपर्क बने रहना चाहिए, और वो एक पॉलिटिशियंस के लिए एक बहुत बड़ी, एक मैं समझता हूँ, रिक्वायरमेंट है। कुछ लोग अपने आप को दूर कर लेते हैं, उसका नुकसान होता है। तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है जब मैं लोगों से मिलता हूँ, आशीर्वाद मिलता है, कभी कुछ आलोचना भी करते हैं उसको भी स्वीकार करता हूँ। तो लगातार मिलते रहना, ट्रैवल करना, और राजस्थान में मुझे बहुत मौका मिला। बहुत बड़ा प्रदेश है जैसा आप जानते हो, राजस्थान हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है ज्योग्राफिकली। तो इतने बड़े राजस्थान के अंदर बहुत कुछ मैंने ट्रैवल किया, लाखों किलोमीटर, तो बहुत कुछ देखा, सीखा, समझा, अनुभव किया, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में मैं और इसको ज़्यादा कर सकता हूँ। बिल्कुल, आपने सुख दुख की बात की, अभी इस वक्त हम पैंडेमिक का सामना कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि नेताओं की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पैंडेमिक में बहुत ज़्यादा बढ़ गई? लेकिन हम कुछ नेताओं को देखते हैं जो मास्क नहीं लगाए होते हैं, जो लगातार कई बार तो ऐसे बयान भी देते हैं कोरोना कुछ नहीं होता है। आपको क्या लगता है, अगर हम पैंडेमिक की बात करें, नेताओं की जिम्मेदारी कितनी बढ़ गई? मैंने शुरू में कहा आपको, नेता वही है, लीडर वही है जो सही बात कह सके। अगर मुझे सूट करता है तो मैं कहता हूँ कोरोना नहीं है, और सूट नहीं करता कहता मेरे कोरोना हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, यू हैव टू बी साइंटिफिक। और अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं नागरिकों से कि आप कर्फ्यू का पालना करिए, गाइडलाइंस की पालना करिए, लॉकडाउन की पालना करिए, मास्क पहनिए, हाइजीन रहिए, अगर हम खुद ही नहीं कर रहे हैं तो किस मुँह से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग उसको फॉलो करेंगे? तो लीडर मस्ट लीड बाय एग्जांपल। इसलिए जो भी नेता या जो भी पब्लिक लाइफ में या जो भी पर्सनैलिटीज हैं, सेलिब्रिटीज हैं, उनको तो लोग लुकअप टू करते हैं ना, वो देखते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। तो वी मस्ट लीड बाय एग्जांपल। एंड हमारा, हम लोग जो बोलते हैं ना, लोग
उससे ज़्यादा देखते हैं हम करते क्या हैं। राइट, तो बोलना बड़ा आसान है लेकिन करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो वी मस्ट डू थिंग्स दैट वी एक्सपेक्ट अदर्स टू डू। इसलिए इस पेंडेमिक के माहौल में तो सुरक्षित रहना, सेफ रहना, हाइजीनिक रहना, ये सब हम लोगों को कहना है और करना है, तभी जाके हम लोग इस चुनौती का सामना कर पाएंगे। आखिरी दो सवाल हैं, शायद इन सवालों में वो जवाब मिले जो जनता जानना चाह रही है। एक सवाल है, कुछ लोग कहते हैं कि सचिन पायलट साहब में सब्र नहीं है और कुछ लोग कहते हैं कि सचिन पायलट साहब का सबसे बड़ा हथियार है उनका सब्र, पेशेंस जो है, आप क्या कहते हैं? मैं कहता हूँ दोनों बात सही है। अच्छा जी, एक आखिरी सवाल, सब्र की बात जहाँ तक है ना, देखो थोड़ा आदमी को, इंसान को इम्पेशेंस, एम्बिशन, कुछ करने की चाह, कुछ करने की टीस और लालसा होनी चाहिए। अगर आपका पेट भरा है, संतुष्ट हो, घर बैठे हो, तो आप फिर इतना एफर्ट एनर्जी नहीं दे पाएंगे अपने मिशन में जो आपका मिशन है। राइट राइट। और मैं हमेशा कहता हूँ लाइफ में, मुझे तो खैर बहुत कुछ भगवान ने दिया है, लेकिन औरों के लिए भी कहना चाहता हूँ कि एवरीथिंग हैपन्स विद टाइम, और किस्मत में जो लिखा है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो नहीं लिखा उसे कोई दे नहीं सकता। बट किस्मत तब काम करती है, कर्म करो आप। राइट। आप कर्म नहीं करो, हाथ बांध के बैठे रहो, तो कुछ होने वाला नहीं है। वी मस्ट वर्क, बी पेशेंट, लेकिन हमेशा एक लाइफ में ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। राइट। अगर आपका एम नहीं है, एम्बिशन नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है और आप इधर उधर भटक रहे हो, तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिंदगी बड़ी सीमित होती है, या वन लाइफ, तो वी मस्ट मेक मोस्ट ऑफ इट एंड एवरी डे मस्ट काउंट। Absolutely. लास्ट में जाते जाते एक गाना आपने गाया अल्बर्ट हॉल पर, एक कार्यक्रम में आप गए थे, आपको बताया गया था वो गाना कि आपने खुद से वो गाया, गाना है जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना का। मैसेज दे रहे थे आपके, गाना गा रहे थे, दोनों सही है। दोनों सही है। थैंक यू सो मच सर। आखिरी में आपका क्या संदेश रहेगा हमारे सारे व्यूअर्स के लिए? नहीं, आई जस्ट थिंक हम सबको इस चुनौतीपूर्ण समय में अपने आप को सेफ रखना चाहिए, और ये समय भी निकलेगा। हम लोगों ने बहुत चैलेंजेस को ओवरकम किया है, इसमें भी हम लोग कामयाब होंगे, और इसके बाद दुगनी ताकत से पूरे समाज को, सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए, ताकि वी कैन अचीव आवर ट्रू पोटेंशियल। थैंक यू सो मच सर, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम सर। राम राम सर। राम राम सर।